हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद भट्टी और आप देख रहे हैं क्रिकेट डंडोरा। पिछली वाली क्रिकेट वाली वीडियो को आपने इतना प्यार दिया कि इतनी खुशी मुझे इतनी खुशी आज तक नहीं हुई। उस पे सिर्फ 228 व्यूज आए। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, उसमें सिर्फ 228 व्यूज दिया। आपने इतना प्यार किया, उसके बावजूद मैं टूटा हुआ दिल लेकर आपके लिए वीडियो बनाने दोबारा आ चुका हूँ। तो इस वीडियो को आपने देखना है और अपने दोस्तों को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। मन्नत दुआओं के साथ पाकिस्तान इंडिया का मैच आखिरकार आ ही गया था, लेकिन उस मैच में भी बारिश का एक बहुत बड़ा खलल आने वाला था। हम जब पॉपकॉर्न लेकर के मुसल्ले पे बैठ के ये मैच देखने लगे और ये दुआएं भी कर रहे थे कि या अल्लाह बारिश ना आ जाए, ये मैच पूरा होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह हमारे बॉलर फुल फॉर्म में थे, बैटर फुल फॉर्म में थे, इन्होंने तो इंडिया का फैंटा लगाना ही था। समझ रहे हो? जैसे ही मैच शुरू हुआ, टॉस हमारे कैप्टन बाबर आजम ने जीता और उसके बाद इंडिया को खेलने के लिए दिया। हमने कहा ये कप्तान का सही फैसला है, क्योंकि बारिश बीच में आने वाली है और मैच डिस्टर्ब होने वाला है, इससे उनका टारगेट में कुछ खलल आएगा और हमारे बैटर इनको बोल्ड आउट कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि केएल राहुल वापस आ चुके थे और शर्मा फॉर्म में नहीं थे। हमने कहा इनको तो शाइनचा यू आउट कर देंगे, लेकिन इसका उल्टा हुआ। उनकी पार्टनरशिप अच्छी हुई और उसके बाद उन्होंने जब 100 से ऊपर की पार्टनरशिप कर ली और फिर दोनों को आउट कर ही दिया हमारे बॉलर ने। लेकिन उसके बाद हमने कहा ठीक है, अब मैच को कंट्रोल हमारे बॉलर्स कर लेंगे। लेकिन जैसे ही वो मैच को कंट्रोल करने लगे, रोहित शर्मा और केएल राहुल को कंट्रोल कर ही रहे थे कि बारिश आ गई। तो हम बॉलर्स बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, उसी मुसल्ले में बैठ के दुआएं करने लगे या अल्लाह कि बारिश को रोक दे और मैच को स्टार्ट कर दे, हमारे बॉलर्स फॉर्म में हैं और यू आउट कर देंगे। लेकिन हमारी दुआएं कबूल तो हो गई, लेकिन अगले दिन के लिए, क्योंकि आई बीच में डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन उतरी नहीं। लेकिन मैच पूरा हुआ, प्रचिप चलने लगी और स्कोर करते 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 350 से अबव हो गया। तो हमने फिर दुआएं करना शुरू कर दी, या अल्लाह तू बारिश कर दे, लेकिन अल्लाह पाक कैसे बारिश करते हैं, क्योंकि पहले ही हमारी दुआएं कबूल हो चुकी थी कि बारिश अब नहीं होगी, हमारे बैटर्स को अच्छा खेलना पड़ेगा। जब हमारे बैटर्स आए खेलने के लिए, लग रहा था कि जैसे पिच ही चेंज हो गई है। क्या बॉल स्विंग हो रही थी हार्दिक पांड्या की, जसप्रीत बुमराह की और उनके दूसरे बॉलर्स की, समझ में नहीं आ रहा था ये कहीं पिच है जहाँ पे नसीम शाह, शाहिन शाह अफरीदी खेल रहे थे। पाकिस्तानी बैटर्स को बहुत ही मुश्किल हुई बैटिंग करने के लिए, और वो सिर्फ और सिर्फ 128 रन बना के सारे आउट हो गए। हमारे बाबर आजम के लिए दुआएं की हुई थी कि वो सेंचुरी करेंगे, लेकिन वो तो स्कोर ही सही नहीं बना पाए। और हमने उम्मीद थी कि हमारे चाचू आएंगे, वो धुआंधार जैसे उन्होंने बैटिंग की थी T20 वर्ल्ड कप में, वैसे छक्के जो कि मार के टारगेट को बहुत क्लोज लेंगे, लेकिन उनसे भी नहीं हुआ और मैच हम हार गए सिर्फ 128 रन बना के। चलो तो हार्ट फेल हो ही रहा था, लेकिन उसके साथ साथ, क्योंकि आपको इस बात का भी इल्म होगा कि अगले दिन जब मैच स्टार्ट हुआ, हारिस रऊफ को पसलियों की इंजरी हो गई थी। हमें डर लग गया था कि यार हारिस रऊफ को पसलियों की इंजरी, अब क्या होगा, अरे मुझे चक्कर आने लग गया, अब कौन बॉलिंग कराएगा। लेकिन हमेशा की तरह चाचा आए, उन्होंने बॉलिंग कराई, ठीक ठाक सही बॉलिंग कराई, बुरी नहीं कराई, लेकिन बहरहाल हारिस रऊफ की कमी तो पूरी नहीं कर सकते थे। लेकिन हमारे हार्ट ब्रेक ये होने लग गए कि खाली वो इस मैच के लिए नहीं खेलेंगे, या अगले या आने वाले जो वर्ल्ड कप है उसमें भी ना हो। चलो बहरहाल मैच हार गए, टूटा हुआ दिल आ गया, लेकिन उसके साथ ये खबरें भी आना शुरू हो गई। हारिस रऊफ के साथ नसीम शाह भी अनफिट हैं और धानी को लाने की बातें की जा रही हैं और नसीम जूनियर को भी खिलाने की बातें की जा रही है। दिल को और ज्यादा हार्ट अटैक आ गया, क्योंकि भाई आगे तो वर्ल्ड कप है, वो भी ODI का इंडिया के अंदर, के उसमें हमारे ये बॉलर अनफिट हो गए तो फिर हमारा क्या होगा। टेंशन नहीं लेने का, अपुन है ना। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और ढेर सारा हमें प्यार दीजिए, और जो आपकी कीमती राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे, अल्लाह हाफिज। आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूँ अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।